हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बैंक एग्जाम क्यूबिकल यूट्यूब चैनल पर। माई सेल्फ उमेश कुमार। दोस्तों, क्या आप एसबीआई क्लर्क एग्जाम 12 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है उसको आप देने वाले हैं? अगर आप देने वाले हैं तो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एडवाइस है, आप सभी के लिए बिग एडवाइस है। अभी आपके पास जो टाइम बचा है उसमें आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं आप सभी के लिए एग्जाम सेंटर से जा करके रियल आपको रिव्यू देने वाला हूँ, कैंडिडेट से बात करके कैंडिडेट का कितना अटेम्प्ट होने वाला है उसके बारे में जो है बात करेंगे, पेपर जो है कैसे आएगा उसके बारे में बात करेंगे। तो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आप सब लोग जो है रेगुलर बेसिस पर इस यूट्यूब चैनल पर मुझे फॉलो कीजिए और डेली आप सभी के लिए करंट अफेयर क्लास होता है उसको भी जो है आप देखिए। दोस्तों, अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए अभी आपको क्या करना है गाइज, आपको डेली बेसिस पर क्विजेज लगाने हैं। प्रीवियस ईयर का आपको जो है पेपर लगाना है, कोई भी आपको ज़्यादा जो है हार्ड लेवल का मॉक टेस्ट नहीं लगाना है। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का पेपर है तो उसको आप लगाइए, आप जो है क्विजेज को लगाइए, आप जो है सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाइए, आप जो है फुल मॉक टेस्ट लगाने से जो है बचिए, क्योंकि आपका जो है अगर स्कोर कम होगा तो आप जो है डिमोटिवेट फील करेंगे, आप जो है वीक हो जाएंगे। अगर आपकी जो है स्कोर अच्छी होगी तो आपको जो है मोटिवेशन मिलेगा, आप और भी जो है स्ट्रांगली जो है एग्जाम में जाएंगे और आप काफ़ी अच्छे प्रदर्शन करेंगे। एग्जाम जो है काफ़ी ईजी लेवल का आता है, बस आप जो है प्रीवियस ईयर का आपको जो पेपर जहाँ से भी मिलता है वहाँ से आप करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप सेक्शनल टेस्ट लगाइए। जैसे कि आप 10 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन उठा लिए, 10 अप्रॉक्सीमेशन का, 2 सेट जो है डीआई का, 4-5 जो है पजल कर लिए, ऐसे जो है आपको टेस्ट लगाना है। या आपको जो है टेस्ट भी लगाना है तो आप रीजनिंग का सेक्शन उठा लीजिए, उसमें आप टाइमर लगाइए और उसको जो है आप सॉल्व कीजिए, वैसे ही जो है इंग्लिश का, वैसे ही जो है कॉन का कीजिए, इससे आपकी जो है मार्क्स जो है इंक्रीज होगी। तो आई होप दोस्तों आप सभी को जो है मोटिवेशन मिला होगा इस वीडियो से, आप लोग जो है कूल रहेंगे, काल होकर के अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, जितना आपका हुआ है बस उसी को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा जो है न्यू चीज़ें सीखने की कोशिश मत कीजिए, जो आपने किया है उसको अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री में आपकी जो है स्पीड और एक्यूरेसी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, जितना आपकी स्पीड रहेगी एक्यूरेसी रहेगी उतना जो है आसान हो जाएगा आपके लिए प्री एग्जाम। तो आप लोग जो है अच्छे से पढ़िए, साथ साथ जो है आप 1-2 घंटे टाइम निकाल करके करंट अफेयर, करंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का भी टॉपिक कीजिए, स्ट्रेटजी का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको भी कवर कर लीजिए। आप लोग जो है डेली मुझे यूट्यूब चैनल पर फॉलो कीजिए, मैं आप सभी के लिए जो है डिफरेंट सीरीज स्टार्ट किया हूं जिससे आपकी काफी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं एग्जाम सेंटर पर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।